अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकन महारानी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 1 कप फेटा हुआ दही और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमें हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट कर लेना है। इसे साइड में या फ्रिज में रख देना। और फिर यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसमें दालचीनी है, काली मिरी है, अक्का धनिया की सौंफ, छोटी इलायची और ज़ीरा है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ड्राई रोस्ट करके इसका फाइन पाउडर बना लेना है। इसे साइड में रख लेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेप है, मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्ची, 1/2 कप मिल्क और 15 काजू, 15 बादाम लेके इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल ले लिया, 2 मैंने बड़ी प्याज ले लिए स्लाइस करके। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा भूनने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सी कम। जब ये कलर चेंज करने लगे तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, मैरिनेटेड चिकन डाल के अच्छी तरह हमें भून लेना है। इतना भूनना है कि दही अपना पानी छोड़ दे और मसाले सब एक जान हो जाए। अच्छे से भूनने के बाद फिर यहाँ पर मैंने जो हमारा ग्राइंडेड पेस्ट था काजू बादाम हरी मिर्ची और दूध का, वो डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। इसे अच्छी तरह से भूनना है और फिर मैंने स्लो पर इसे ढक कर रख दिया चिकन गले तक, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना है क्योंकि काजू बादाम है तो नीचे लगने का डर रहता है। जब चिकन अच्छा गल चुका था हमारा तो मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले डाल दिए, जो हमने अक्खा धनिया सौंफ और ज़ीरा पीसा था उसका पाउडर डाल के फिर यहाँ पर 4 से 5 मिनट भून लेना है। इसे भूनने के बाद मैंने इसे दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर इसे इसका ढक्कन हटाने के बाद मैंने 1/2 कप यहाँ पर क्रीम डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और लास्ट में हमें यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। बस हमारा चिकन महारानी बनके तैयार है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, आपको जितनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जिस तरह का इसका नाम है चिकन महारानी, बनकर भी उसी तरह से तैयार हुई थी। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है, टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट है इसका। मसाले सारे वही थे, सिर्फ रेड चिली पाउडर नहीं डालना है, बाकी सब वही ग्रेवी बेस ये वो सब वही था, लेकिन बहुत ही डिफरेंट बनी थी। यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप रोटी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी या फिर चावलों के साथ इसे सर्व कर लेना। बहुत अच्छा बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और एक लाइक तो बनता है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।